Hello everyone, so today we are going to do exercise number 1.2 of maths. We have already discussed its theory part, in which I have explained the 1-1 function, 1-2 function. तो आज हम इसी के बारे में एक्सरसाइज करने वाले हैं. अगर आपने थियरी का वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच इट, तो ही आपको ये चीज समझ में आएगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट द फंक्शन एफ इक्वल्स एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x. तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है एंड वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट वेदर इट इज 1-1 एंड 1-2. लेकिन यहाँ पे r रियल नंबर वाला नहीं है, यहाँ पे r स्टार दिया गया है. तो व्हाट इज r स्टार? सो इट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, बाकी सब इंक्लूडेड है जो रियल नंबर्स में होता है. सो इट इंक्लूड्स इंटीजर, इट इंक्लूड्स फ्रैक्शन, राइट? सो ये पार्ट वन हो गया. पार्ट टू में हमें कुछ और प्रूव करना है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट द पार्ट वन फर्स्ट. तो हमेशा इस टाइप के थियरी टाइप जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें यू टू जस्टिफाई योर आंसर. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंसर मालूम है लेकिन यू डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट. सो यहाँ पे प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रॉपर सेंटेंस में आपको लिख के बताना है कि वेदर इट इज 1-1 और 1-2 और नॉट, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रूविंग इट फॉर 1-1. वी आर चेकिंग फॉर वेदर इट इज 1-1 फंक्शन और नॉट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल टेक द x1 एंड x2 विच बिलोंग्स टू r स्टार. टू वेरिएबल्स आर देयर. So if it is onto, then f of x1 equals to f of x2, right? And इसके लिए x1 equals to x2 होना चाहिए. So if I will put the value of f of x1, we know that f of x is 1 upon x. तो ये हो जाएगा 1 upon x1 upon 1 upon x2, and that implies x1 is equals to x2, right? So I can say that there is only one combination possible. x1 की एक ही value exist करती है उसकी image में, no other image or its value is possible. So I can say that hence f is 1-1 function. ठीक है, तो ये हो गया एक part. Now next part के लिए हम prove करने वाले हैं whether it is onto or not. Okay. तो यहाँ पे लिखेंगे 4 onto. ठीक है, सो 4 onto व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक वेदर एनी इमेज इज लेफ्ट व्हिच डज नॉट हैव इट्स एक्स और नॉट. सो यहाँ पे देखो कि आप कोई भी एक्स कोई भी वाई की वैल्यू चुन लो तो उसके लिए हमेशा आपको एक्स 100% मिलेगा ही, राइट? सो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा. सो एवरी over here what you can write is every element of codomain in R star has element in domain. Okay. हर एक codomain में जो भी element है उसका, हर एक element है वो domain में उसका function है वो exist करता है. So that is what you should write. Fine. Now part two देखते हैं अब हम, right? So in part 2 there is some change. What is the change? If the domain R star is replaced by n, that is natural number, with the codomain being the same. ठीक है, तो codomain को as it is रखना है, लेकिन जो domain है उसको हमें change करके n, that is natural number बना देना है. तो let us say we have a function which is g, और फिर it is n to R star, n to r star. तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन.
So for this we are asked whether it is onto and one or not, right? So again I'll write the same thing for one. Okay, so for one again I have to put it like this, ke x1 and x2, okay, they belongs to n, they are natural numbers. So obviously unke liye एक ऐसा नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही के जो इसका ओपोज हो, राइट, इनवर्स हो. ओके, सो इट कैन बी अ फ्रैक्शन, लेकिन 1 अपॉन x1 या 1 अपॉन x2 है, सो दे एग्जिस्ट इन R स्टार, एंड R स्टार इज व्हाट इट कैन हैव फ्रैक्शन, सो दैट इज ओके. सो 1 अपॉन x1 एंड 1 अपॉन x2 कैन बी इन R स्टार, फाइन, ओके. And that implies that x1 is equals to x2, fine. Hence, it is a 1-1 function. ठीक है? देखते हैं अभी onto के लिए क्या है? Okay. So let us do it for onto. So this is for onto. So for onto, I can take one example. Let us say that एक नंबर लेते हैं हम 1.2, ओके 1.2 व्हिच इज देयर इन आर स्टार, ओके 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार, रेशनल नंबर है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, ओके. सो ये क्या होगा एक्चुअली, दिस विल बी लाइक g ऑफ x इक्वल्स टू 1.2, g ऑफ x इक्वल्स टू 1.2. सो कैन आई गेट अ x which is equals to 1 upon 1.2, होगा ना ये 1 upon 1.2, right, which belongs to n, so answer is no, this does not belongs to n, hence this function g is not onto, right. तो इस तरह से आपको कोई भी एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है कि जो नहीं है, एक के लिए हो गए, मतलब के इट इज प्रूव्ड दैट जी इज नॉट ऑन टू, फाइन. सो थैंक यू.